तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कन्नूर में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मौत हो गई। वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है। वायुसेना के मुताबिक जनरल बिपिन रावत नीलगिरी हिल्स में स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में व्याख्यान देने जा रहे थे। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों को लेकर जा रहा इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर उसी बीच दोपहर के वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौके पर ही मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 अन्य लोगों की भी जान चली गई, जबकि क्रू के सदस्य ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका विलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के असामयिक निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने आज अपने एक सबसे बहादुर सपूत को खो दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल बिपिन रावत के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बड़ा योगदान दिया। सामरिक मामलों पर जनरल रावत की दूरदृष्टि और दृष्टिकोण को पीएम मोदी ने असाधारण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल रावत के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि जनरल रावत ने रक्षा सुधारों समेत सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। पीएम मोदी ने अंत में कहा कि भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। जनरल बिपिन रावत की हवाई हादसे में मौत पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की थी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों को एकजुट करने की योजना तैयार की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि आज का दिन देश के लिए बहुत ही दुखद दिन है। अमित शाह ने कहा कि जनरल रावत सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। शाह के मुताबिक जनरल बिपिन रावत के अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जनरल बिपिन रावत की मौत को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक अभूतपूर्व त्रासदी बताया। राहुल गांधी ने अन्य लोगों की मौत पर भी शोक जताया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हवाई हादसे में मौत के बाद देश भर में शोक की लहर है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।